हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के टॉपिक की लैंग्वेज किस प्रकार से चेंज करते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है और सैमसंग का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है और इंग्लिश अभी देख सकते हैं यहाँ पर। एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद आपका जर्नल मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। एंड लैंग्वेज इनपुट पे क्लिक करेंगे तब आपका इस प्रकार से इंटरफेस आता है। एंड लैंग्वेज पे क्लिक कर देंगे और ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो और भी चीज़ें देख सकते हैं। और लैंग्वेज आगे इधर नेपाल और मराठी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिलनाडु, चेन्नई, ऐसे आपको बहुत सारी दिखेंगी। तो आपका नीचे फिलिपिनो एंड इंडोनेशिया और देख सकते हैं डस्क एंड इटली स्टू, तो आप कैसा भी कर सकते हैं। सबसे नीचे आपका चाइनीज़ और बंगाली और मतलब कि तमिलनाडु, नेपाली और चाइना, मतलब चाइनीज़ और जापानीज़, ये सब चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी पसंद है इनमें से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी ले लेती हूँ एंड सेट एस ऑफ डिफॉल्ट, इस पर क्लिक कर दें तो आपका हिंदी हो जाता है, देख सकते हैं आप। तो इसी प्रकार से अपने फोन में कर सकते हैं एंड देख सकते हैं पूरा स्क्रीन जो सेटिंग है वो हिंदी में हो चुका है। इससे होम कर लेते हैं एंड पूरा ऐप देखेंगे तो आपका मतलब आप देखेंगे कि पूरा हिंदी में है। कुछ कुछ ऐप आपका इंग्लिश में रहेगा तो देख सकते हैं पूरी सेटिंग हिंदी में हो गया। वापस इंग्लिश करने के लिए सामान्य प्रबंधन पर क्लिक करेंगे एंड भाषा इनपुट पर क्लिक करें एंड भाषा पर क्लिक करेंगे, उसका ऊपर से नीचे करें तो आपका हो जाए। तो इंग्लिश पर क्लिक करते तो लागू करें एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपका इंग्लिश सेट होता है दोबारा से। अगर इनमें से कोई एक हटाना है तो आप एडिट पे क्लिक कर देंगे, हिंदी हटाना चाहूँगी डिलीट पे क्लिक कर देंगे, रिमूव पे क्लिक कर देंगे और आपका एक हट जाता है। तो आपका एक ही बचता है, जो बचता है वह वही आपका लैंग्वेज होता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया किस प्रकार से लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।